हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस 2 करेंगे और ये आपकी एक वर्कबुक है फॉर क्लास 10th। देख रहे हैं आप वर्कबुक इन इंग्लिश फॉर क्लास 10th। तो ये वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस 2 आज हम करेंगे और इसके अंतर्गत आज हम जो करने वाले हैं वो है आपका यूनिट 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले है लेट्स बिगिन। In the Glimpses of India First Flight Class 10 Textbook NCERT, you have read about interesting people and places. India is a place of diversity in terms of culture, language, food, traditions, etc. There are many stories unknown to us about the way of life of people. Work in groups of 4 and find out about the following in any 5 Indian states. First one is their regional cuisine. Second one is dance form and music. Third is art form. And fourth one is any other information. Mark these 5 places on a map and represent the information, highlighting the interesting facts. अब ये reading comprehension है, ये आपको स्वयं पढ़ना है। ये आपका text 1 है और the following is an excerpt about the Parsi community in India and their food. Read the passage and answer the questions. तो पारसी कम्युनिटी जो भारत में है उनके बारे में और उनके भोजन के बारे में ये पैसेज है जिसको कि आप देखें और ये आपके लिए सेल्फ एक्टिविटी रहेगी इस पैसेज को पढ़ना। यहाँ हम आपको इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करवा देते हैं। इसका सोर्स है डाउन मेमोरी लेन विद द पारसीज ऑफ न्यू दिल्ली बाय शेरनाज इटालिया द वायर। क्वेश्चन 1 इज इन्फर द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ए नौरोजी वुड कैजोल पारसी विजिटर्स ऑफ द ट्रेन। यहाँ पर जो है एक्सप्रेशन हमें दिए हुए हैं, उनका मीनिंग हमें जो है लिखना है। तो फर्स्ट वन जो ए है, नौरोजी वुड कैजोल पारसी विजिटर्स ऑफ द ट्रेन, इसका जो मीनिंग है वो है नौरोजी परसुएडेड द पारसी विजिटर्स टू गेट डाउन फ्रॉम द ट्रेन एंड गो विद हिम टू हिज हाउस इन ओल्ड दिल्ली। नौरोजी परसुएडेड द पारसी विजिटर्स टू गेट डाउन फ्रॉम द ट्रेन एंड गो विद हिम टू हिज हाउस इन ओल्ड दिल्ली। बी जेर बाई वुड ओकेजनली ऑब्जेक्ट टू अननोन विजिटर्स, शी वॉज ऑलवेज ओवर रूल्ड। इसका आंसर है जेर बाई डिड नॉट लाइक अननोन विजिटर्स इन हर होम। She was against this practice, but she was silenced by Nauroji. Jerbai did not like unknown visitors in her home. She was against this practice, but she was silenced by Nauroji. See, her outside catering was unheard of. Iska meaning hai. Dekhiye answer. Eating outside in a hotel or dhaba was not in practice. Then people ate homemade food only. बाहर होटल में या ढाबे में खाना खाना उस समय प्रचलन में नहीं था। लोग केवल जो भोजन करते थे वो घर का बना हुआ ही करते थे। डी है आई गेंट ए हेल्दी रिस्पेक्ट फॉर माई डेंटी ग्रैंड मदर। आंसर मेलिडो मेकिंग is an exhaustive exercise. When the author, under the supervision of her grandmother, made it, she could not move her arms for 2 days. इसके बाद है, आप ऊपर देखें, लिखा हुआ है noticing, पेन से लिखा हुआ है noticing the exhaustion involved in it, she developed a healthy respect for her grandmother, who made it frequently. ये सबसे ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है सबसे टॉप पे noticing the exhaustion involved in it, she developed a healthy respect for her grandmother who made it frequently. अब चलते हैं हम question number 2 पर। answer the following questions. A आवो जी आवो आवो, welcome to Delhi, let me show you my beautiful city. Who said this and why? ये किसने कहा था आओ जी आओ आओ वेलकम टू दिल्ली लेट मी शो यू माय ब्यूटीफुल सिटी। ये
नवरोज जी ने कहा था, ऑन द ओल्ड दिल्ली रेलवे प्लेटफॉर्म, ओल्ड दिल्ली रेलवे प्लेटफॉर्म पर, इन ऑर्डर टू टेक पारसी विजिटर्स होम, पारसी विजिटर्स को घर पर ले जाने के लिए। बी है, वाई वर जेर बाईज आर्गूमेंट्स ऑलवेज ओवर रोल्ड, जेर बाईज के जो आर्गूमेंट्स हैं उनको हमेशा ओवर रोल्ड क्यों किया जाता था? तो जेर बाईज के जो आर्गूमेंट्स थे उनको ओवर रोल्ड किया जाता था नवरोज जी के द्वारा, बिकॉज ही वॉज इंटेंसली इंक्लाइंड टू परसुएड देम टू सेटल इन ओल्ड दिल्ली। जेर बाईज आर्गूमेंट्स वर ओवर रोल्ड बाई नवरोज जी बिकॉज ही वॉज इंटेंसली इंक्लाइंड टू परसुएड देम टू सेटल इन ओल्ड दिल्ली। अब आपका सी है, वाई डू यू थिंक आउटसाइड केटरिंग वॉज अनहर्ड ऑफ, आप क्यों सोचते हैं कि जो आउटसाइड केटरिंग थी उसके बारे में जो है सुना नहीं जाता था? पीपल माइट बी हैविंग इनफ टाइम टू कुक एंड ईट, लोगों के पास हो सकता था कि काफ़ी समय हो खाना पकाने के लिए और खाने के लिए। होटल्स माइट बी फ्यू इन सर्विस, होटल्स जो हैं सर्विस में कम हो सकते थे या ना के बराबर हो सकते थे। दे हैड स्कैंटी मनी, लोगों के पास पैसे कम थे। मे बी दे थॉट होम मेड फूड वॉज मोर हेल्दी एंड हाइजीनिक, ये भी हो सकता है कि वो सोचते थे कि जो घर का जो बना हुआ खाना है वो ज़्यादा स्वास्थ्यकर और हाइजीनिक है, यानी स्वच्छ है। अब आपके चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर डीपर। अकॉर्डिंग टू द राइटर व्हाट काइंड ऑफ लाइफ हैज ऑलमोस्ट गॉन फॉर एवर, लेखक के अनुसार कौन सी जो लाइफ है वो हमेशा के लिए चली गई है? ड्यूरिंग फेस्टिव गैदरिंग्स वुमेन वेंट टू टाउन विद फूड, फेस्टिव गैदरिंग्स के टाइम जो वुमेन थी वो टाउन में जाती थी भोजन के साथ। दे फेड द पुअरर कम्युनिटी, वे जो पुअरर कम्युनिटी है उनको खाना खिलाते थे औरतें। बट देयर मेंबर्स डिड नॉट कंजेक्चर, लेकिन जो उनके जो मेंबर्स थे वो कंजेक्चर नहीं करते थे। हु हैड पेड फॉर वॉट, जो उन्होंने पे किया था उस चीज़ के लिए। दिस ट्रेडिशन और द वे ऑफ लाइफ हैज ऑलमोस्ट गॉन फॉर एवर, ये परंपरा और जीवन का तरीका जो है हमेशा के लिए चला गया है। अब ई पे चलते हैं, वॉट हैज मेड द राइटर मोर रिस्पेक्टफुल टू हर ग्रैंड मदर, कौन सी चीज़ से लेखक जो है अपनी दादी माँ के प्रति ज़्यादा सम्मानजनक हो गया है? तो मेलिडो मेकिंग वॉज एन एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज, जो मेलिडो मेकिंग थी वो एक एग्जॉस्टिव थका देने वाली एक्सरसाइज थी। विच ग्रैंड मदर आउट ऑफ लव फॉर चिल्ड्रन, जो अपने बच्चों के प्रति प्यार की वजह से अंडरटुक जो इसको करती थी। रियलाइजेशन ऑफ द डिफ़िकल्टीज इन मेकिंग मेलिडो, जो डिफ़िकल्टीज आती थी मेलिडो को बनाने में, इसको महसूस करके लेखक जो है अपनी दादी माँ के प्रति ज़्यादा सम्मानजनक हो गया। रियलाइजेशन ऑफ द डिफ़िकल्टीज इन मेकिंग मेलिडो मेड द राइटर मोर रिस्पेक्टफुल टू हर ग्रैंड मदर। अब एफ है, वॉट वॉज स्पेशल अबाउट द टी टाइम इन द राइटर्स होम, लेखक के घर में टी टाइम के बारे में क्या स्पेशल था? टी टाइम वॉज स्पेशल एट द राइटर्स होम, राइटर के घर पर टी टाइम स्पेशल था। ग्रैंड मदर हैड मेड इट ए पॉइंट टू ड्रेस फॉर टी, वंस दे वर रेडी आउट केम द ट्रीट्स, तो ये स्पेशल था। टी टाइम वॉज स्पेशल एट द राइटर्स होम, ग्रैंड मदर हैड मेड इट ए पॉइंट टू ड्रेस फॉर टी, वंस दे वर रेडी आउट केम द ट्रीट्स। अब है क्वेश्चन नंबर थ्री, टेक द करेक्ट आंसर। वॉट इज एन एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज, ए प्रिपेरिंग फॉर द फेस्टिवल, बी ट्रेवलिंग फ्रॉम मुंबई टू पेशावर, सी राइटिंग अबाउट पारसीज इन ओल्ड दिल्ली, डी कुकिंग मेलिडो द पारसी स्टाइल हलवा। तो यहाँ पर जो है एग्जॉस्टिंग एक्सरसाइज की बात की जा रही है, तो कुकिंग मेलिडो द पारसी स्टाइल हलवा इज एन एग्जॉस्टिंग एक्सरसाइज, तो ऑप्शन डी पर हम राइट लगाएंगे
और ए बी सी पर हम क्रॉस लगाएंगे। तो ये कुछ आप नीचे फूड देख रहे हैं, पटारा नी मची, धनशक, लगन नो कस्टर्ड, रेवो, पारसी मेलिडो और डरनी पोरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, मेक ए लिस्ट ऑफ पारसी डेलिकेसीज एज मैंशनड इन द पैसेज। पैसेज में जो है पारसी डेलिकेसीज की लिस्ट के बारे में बात की गई है। ए फ्यू आर गिवन अबव, कुछ ऊपर दिए हुए हैं। यू कैन ऐड मोर टू द लिस्ट, आप लिस्ट में और ऐड कर सकते हैं। फाइंड द वर्ड्स फॉर मिठू दही इन योर लैंग्वेज। अब ये है लिस्ट ऑफ पारसी डेलिकेसीज, तो इस पे मैं थोड़ा सा स्टॉप कर देता हूँ कि आप इस लिस्ट को देखें और इसमें अपने वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। ये पारसी डेलिकेसीज की लिस्ट है, इसको चेक कर लें। ये मैंने लिख रखे हैं, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। आप गूगल सर्च कर सकते हैं, वहाँ से जो है लिस्ट ऑफ पारसी डेलिकेसीज आप कर सकते हैं। तो ये आप लिस्ट देख लें। अब चलते हैं आगे टेक्स्ट 2 पर। ये टेक्स्ट 2 है आपका। यू हैव रेड अबाउट कुर्ग, आपने कुर्ग के बारे में पढ़ा होगा फर्स्ट फ्लाइट में। इट्स रेन फॉरेस्ट, इसके रेन फॉरेस्ट के बारे में। एंड कॉफ़ी एंड टी फ्रॉम आसाम इन ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, और कॉफ़ी और टी फ्रॉम आसाम से इन ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में फर्स्ट फ्लाइट क्लास एंड टेक्स्ट बुक NCERT। द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इज अबाउट द कल्टिवेशन ऑफ कॉफ़ी इन अराकू वैली इन आंध्र प्रदेश। जो निम्नलिखित एक्सट्रैक्ट है ये कॉफ़ी की कल्टीवेशन के बारे में है अराकू वैली में, आंध्र प्रदेश में। द स्टोरी ऑफ अराकू वैली ट्रेवर्सिस एन अनयूजुअल ट्रेजेक्ट्री थ्रू आदिवासी एम्पावरमेंट, हॉट एयर बैलून्स एंड सम ऑफ द बेस्ट कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो ये जो पैसेज है, जैसे मैंने आपको बताया, ये कल्टीवेशन ऑफ कॉफ़ी जो है अराकू वैली, उसके बारे में है। तो ये पैसेज आप स्वयं पढ़ें, इसके बाद ये रिमेनिंग पैसेज है। और इसका सोर्स है व्हाट्स ब्रीविंग इन अराकू वैली बाय दिव्या कोहली, लाइव मिंट, 23 फरवरी 2019। तो ये है आपका जो पैसेज, इसको आपको पढ़ना है और हम आपको इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन्फर द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ जो दे रखे हैं उनके मीनिंग्स जो हैं लिखने हैं। ए है ट्रेवर्सिस एन अनयूजुअल ट्रेजेक्ट्री, इट मीन्स दैट द स्टोरी ऑफ अराकू वैली डज नॉट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, इंस्टेड इट मूव्स थ्रू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ कंसर्न। ट्रेवर्सिस एन अनयूजुअल ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है कि अराकू वैली की कहानी एक सीधी लाइन में नहीं चलती, बजाय इसके ये अलग अलग पॉइंट्स ऑफ कंसर्न में चलती है। इट मीन्स दैट द स्टोरी ऑफ अराकू वैली डज नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, इंस्टेड इट मूव्स थ्रू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ कंसर्न। बी द ड्राइव टू फार फ्लंग कॉफी एस्टेट्स, इट मीन्स दैट अ जर्नी बाय कार टू कॉफी एस्टेट्स विच आर लोकेटेड इन रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द लैंड इज कुंबरसम। इसका मतलब ये होता है कि कार के द्वारा जर्नी कॉफ़ी एस्टेट्स में, जो कि रिमोटेस्ट पार्ट में लोकेटेड है लैंड के, वो कुंबरसम है। इट मीन्स दैट जर्नी बाय कार टू कॉफ़ी एस्टेट्स विच आर लोकेटेड इन रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द लैंड इज कुंबरसम। सी डेंसली फॉरेस्टेड हिल्स, डेंसली फॉरेस्टेड हिल्स का क्या मतलब होता है? इट मीन्स दैट द हिल्स देयर आर थिकली एफॉरेस्टेड, इसका मतलब जो हिल्स वहाँ पर हैं वो थिकली एफॉरेस्टेड हैं। मैनी ट्रीज ऑफ सेवरल काइंड्स आर देयर टू बी होल्ड, बहुत से जो वहाँ पर वृक्ष हैं अनेक प्रकार के, वो बी होल्ड करने के लिए हैं।
अब डी में विलेज क्लस्टर्स, विलेज क्लस्टर्स का क्या मतलब होता है? इट इम्प्लाइज या इट मीन्स दैट द विलेजेस देयर आर इन ग्रुप सराउंडेड बाय फॉरेस्ट्स। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो विलेजेस हैं वो ग्रुप्स में हैं और जंगलों से घिरे हुए हैं। इट इम्प्लाइज दैट द विलेजेस देयर आर इन ग्रुप सराउंडेड बाय फॉरेस्ट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट विच मीन द फॉलोइंग। ए है इन ए प्लेस दैट इज हिडन, पैराग्राफ वन में है। आपको टेक्स्ट से जो है वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं विच मीन द फॉलोइंग, जिनका अर्थ जो दे रखा है नीचे वो होना चाहिए। तो इन ए प्लेस दैट इज हिडन का मीनिंग होगा टक्ड अवे, और ये आपको पैराग्राफ वन में मिलेगा। बी में है डिस्टेंट और रिमोट, ये पैराग्राफ टू में मिलेगा वर्ड, और वो है फार फ्लंग। सी है टू इम्प्रूव द क्वालिटी और फ्लेवर ऑफ समथिंग, और पैराग्राफ फोर में मिलेगा ये आपको वर्ड, जो कि है एनरिच्ड। डी में ए स्मेल स्पेशली ए प्लेजेंट वन, ए स्मेल जो कि विशेषकर प्लेजेंट है वो पैराग्राफ फोर में मिलेगा आपको ये वर्ड फ्लेवर। तो ए में टकटवे, बी में फार फ्लंग, सी में एनरिच्ड और डी में फ्लेवर। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज यूनिक अबाउट द अराको वैली एज स्टेटेड इन पैराग्राफ वन। द यूनिक थिंग अबाउट द अराको वैली एज स्टेटेड इन पैराग्राफ वन इज दैट इट ट्रेवर्सिस एन अनयूजुअल ट्रेजेक्ट्री थ्रू आदिवासी एम्पावरमेंट, बट एयर बैलून्स एड some of the best coffee in the world. The unique thing about the Araku Valley, as stated in paragraph 1, is that it traverses an unusual trajectory through Adivasi empowerment, but air balloons add some of the best coffee in the world. B hai, where is Araku Valley? Araku Valley kahan hai? Araku Valley is located at about 1200 meter above sea level. The valley is tucked away in the northeastern corner of Andhra Pradesh. Now see, underline and write below the sentences, words and expressions which indicate that Araku coffee has moved ahead of being the only means of livelihood. The name Araku was chosen for the coffee for its being poetic. The name Araku was chosen for the coffee for it being poetic. Next one, the journey of Araku coffee from a livelihood initiative to a globally appreciated product. The journey of Araku coffee from a livelihood initiative to a globally appreciated product. D. State a historical fact about the coffee in the valley. आप कॉफ़ी के बारे में एक ऐतिहासिक तथ्य बताएं जो कि वैली में है। द अराकू कॉफ़ी इज ए ब्रांड दैट वर्क्स विद 517 विलेजेस एंड 10,986 फार्मर्स। द अराकू कॉफ़ी इज ए ब्रांड दैट वर्क्स विद 517 विलेजेस एंड 10,986 फार्मर्स और 517 विलेजेस के साथ ये अराको कॉफ़ी ब्रांड जो है काम करता है। अब है आपका ई, देर आर स्पेसिफिक टर्म्स बींग यूज इन द पैसेज फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉफ़ी, फॉर एग्जाम्पल टेरिस फार्म्स, बायोडाइनमिक फार्मिंग एक्सेट्रा। फाइंड मोर सर्च टर्म्स एंड देयर मीनिंग्स। तो वर्ड्स हैं बायोडाइनमिक, एंटरप्रेन्यर्स, टेरॉइड्स, ट्रेजेक्ट्री, ट्रेवर्सिस, टक्ट एक्सेट्रा। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, the expression sapling to
savoring in paragraph 4 means? Take the right answer. A. Coffee plants are taken care of from the stage of plantation till its beans are ready for an enjoyable cup of coffee. ये right है. B. Coffee saplings are very delicate, hence a lot of care is being taken of them. ये wrong है. इसके बाद है C में. The growth of coffee plants is dependent on shady trees. The growth of coffee plants is dependent on shady trees. ये wrong है. D. Coffee plant can give a cup of enjoyable coffee. ये भी wrong है. अब vocabulary है. Match the sounds in column A with appropriate words from column B. Example, rustling of leaves. The meanings of some words are given below, which will help you to find out the words. तो ये होगा आपका shuffling of feet. Shuffling of feet. Of feet के आगे मैंने one लिखा हुआ है. फिर striking of a match. Of a match के आगे मैंने two लिखा हुआ है. फिर होगा puffing of the wind. Puffing of the wind होगा आपका. और of the wind के आगे मैंने three लिखा हुआ है. फिर है आपका clanking of chains. Of chains के आगे four लिखा हुआ है, यानी ये चौथे नंबर पर आएगा. फिर है आपका sighing of an engine. Of an engine के आगे five लिखा हुआ है. फिर rustling of leaves, ये ऊपर भी सॉल्व किया हुआ था, तो of leaves के आगे six लिखा हुआ है. फिर है banging of the door. Of the door के आगे seven है. Gurgling of water of water के आगे eight है. और howling of hyenas के आगे nine है. एक बार मैं फिर बता देता हूँ आपको. Shuffling of feet, striking of a match, puffing of the wind, clanking of chains, sighing of an engine, rustling of leaves, उसके बाद है banging of the door, gurgling of water और howling of hyenas. इसके बाद ग्रामर है. फर्स्ट, यू हैव रेड अबाउट ing एंड ed adjectives इन द टेक्स्ट बुक. द फर्स्ट फ्लाइट पेज नंबर 97. रीड इट अगेन टू अंडरस्टैंड हाउ दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड. दीज आर आल्सो द प्रेजेंट पार्टिसिपल्स ing फॉर्म्स एंड पास्ट पार्टिसिपल्स ed फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स एंड आर यूज्ड एज एडजेक्टिव्स. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू नो दिस. Rita gave me a welcoming cup of coffee. Rita gave me a welcoming cup of coffee. Next, her performance in the test was pleasing. Phir hai, she appeared delighted with the gift. Aur phir hai, the bored students became restless. To welcoming jo hai, ye aapka jo hai, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया. और फिर प्लीजिंग जो है ये भी आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया आईएनजी फॉर्म्स. और डिलाइटेड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया ईडी फॉर्म्स. और फिर बोर्ड जो है ये भी आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया ईडी फॉर्म. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द सेंटेंसेस विद पास्ट पार्टिसिपल फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. इनफैक्ट, टेक, कोट, यूज, watch, frighten, propose. A. People demonstrated against the changes proposed. तो proposed जो है ये past participle है. B. The loud cheer went from the students unwatched. तो unwatched भी जो है आपका past participle है, क्योंकि इन दोनों में ही जो है ed form थी. इसके बाद C. After the editor read the article, she checked all the examples used. तो used भी आपका past participle है. D. Rub the antiseptic cream in the infected area. तो ये जो infected है ये भी जो है आपका past participle है.
माई वॉलेट वॉज अमॉन्ग द थिंग्स टेकन, टेकन भी वास्ट पार्टिसिपल है, और एफ है साइक्लोन फैनी वॉज ए फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस। तो ये फ्राइटनिंग जो है ये आईएनजी फॉर्म आ जाती है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो ए में प्रपोज्ड, बी में अनवॉच्ड, सी में यूज्ड, डी में इन्फेक्टेड, ई में टेकन और एफ में फ्राइटनिंग। अब सेकंड है रीराइट द पास्ट, रीराइट इन द पास्ट टेंस द फॉलोइंग एक्सेप्ट फ्रॉम द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10 टेक्स्ट बुक एंड चेक योर आंसर्स विद ए पार्टनर। तो ये जो है ये मैं पास्ट टेंस में करना है, तो मैं ये आपको बता देता हूँ और आप इसको जो है करते जाना। बर्ड्स बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। तो यहाँ पर जो आर था इसका हम वर करेंगे, इसे क्या करेंगे वर। उसके बाद है मैकॉक्स, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरीज कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। तो ये जो है हम क्या करेंगे यहाँ पर कीप का कैप्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद है आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। तो यहाँ पर आई डू था तो डू का डिड हो जाएगा, आई डू का डिड, क्योंकि हम सब में क्या कर रहे हैं सेकंड फॉर्म कर रहे हैं, आई डू का डिड हो जाएगा। आई डू हावेवर है तो आई डिड हावेवर हो जाएगा। प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स द क्लाइम टू द ब्रह्मागिरी हिल्स brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg। तो यहाँ हमने पढ़ा है the climb to the Brahmagiri hills brings, तो brings की जगह brought हो जाएगा, brings की जगह क्या हो जाएगा brought। इसके बाद है a walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of Nishar गदमा। तो यहाँ पर लीड्स का लेड हो जाएगा, एलईडी जो हमने लीड्स पढ़ा है इसका लेड हो जाएगा। आगे है रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडिया लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाय बाइलाकोप पे इज ए बोनस। तो यहाँ पर वाज ए बोनस हो जाएगा। The monks in red, ochre and yellow robes are amongst the many surprises। तो are amongst के है यहाँ पर were amongst हो जाएगा। That wait to be discovered, तो ये wait का waited हो जाएगा। By visitors searching for the heart and soul of India right here in Kurg। तो मैंने इसको past tense में आपको बता दिया है जो भी change हुए हैं, तो ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि जो भी हमने किए हैं और मैंने आपको सारे बता दिए हैं कि कौन कौन से जो हैं वो पास्ट टेंस में हमें करने हैं, ये भी आप चेक कर लें। इसके बाद एडिटिंग है सम वर्ड्स हैव बीन रॉन्गली स्पेल्ड इन द पैराग्राफ गिवन बिलो, करेक्ट द वर्ड्स एंड रीड द पैराग्राफ अलाउड। अलाउड मीन्स जोर से पढ़ना है। द वैली ऑफ फ्लावर्स, तो द जर्नी टू द वैली ऑफ फ्लावर्स बिगिन्स अबाउट 16 किलोमीटर अवे फ्रॉम जोशी मठ एट गोविंद घाट 1770 मीटर ऑन द ऋषिकेश बद्रीनाथ हाइटवे। तो यहाँ पर हाइटवे लिखा हुआ है, ये हाइटवे नहीं होता, हाईवे होता है। तो मैंने आप देख लेंगे यहाँ पर हाईवे कर रखा है, और जो रॉन्गली स्पेल्ट है यानी जो स्पेलिंग रॉन्ग है उसको जो है हमने अंडरलाइन भी किया हुआ है। इसके बाद है द वैली ऑफ फ्लावर्स इज कवर्ड विद ए रिच वराइटी ऑफ मैग्निफिशेंट प्लांट्स। तो ये वराइटी की स्पेलिंग रॉन्ग है तो अंडरलाइन किया हुआ है, ये होती है वराइटी की स्पेलिंग वी ए आर आई ई टी वाई, और ये मैग्निफिशेंट की स्पेलिंग रॉन्ग है, मैग्निफिशेंट की स्पेलिंग होती है एम ए जी
NIFICENT, ऊपर हमने हाईवे किया था HIGHWAY। अब आगे चलते हैं। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स थाउजेंड ऑफ विजिटर्स हैव डिस्कवर्ड दिस आइडियल एमिस्ट द माउंटेन। तो ये आइडियल की जगह आइडियल होगा, IDEAL। हाउएवर दे लिव लाइक मार्क्स ओनली बाई वे ऑफ एम्प्टी कैंस वेस्ट पेपर एंड सिगरेट बर्ड्स। तो सिगरेट की स्पेलिंग रॉन्ग है, सिगरेट की स्पेलिंग होगी CIGARETEE। उसके बाद ट्रैकिंग इन द एरिया हैज रिजल्टेड इन द ट्रैम्पलिंग ऑफ दीज। तो ये ट्रैकिंग की स्पेलिंग रॉन्ग है, ट्रैकिंग की स्पेलिंग होगी TREKKING। डेलीकेट प्लांट्स बाई ह्यूमन्स एंड पोनीज। तो डेलीकेट की स्पेलिंग रॉन्ग है, डेलीकेट की स्पेलिंग होती है DELICATE। एज ए रिजल्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज कंपेल्ड टू बैन ऑल माउंटेनियरिंग। तो यहाँ पर जो कंपेल्ड है, कंपेल्ड की स्पेलिंग रॉन्ग है, तो COMPELLED ये होती है कंपेल्ड की स्पेलिंग। और उसके बाद जो आपका ये माउंटेनियरिंग है, ये भी आपका जो है रॉन्ग है, यहाँ पर EE आएगा, यहाँ पर क्या आएगा EE, MOUNTAINEERING। ट्रैकिंग एक्सपेडिशंस एंड लाइव स्टॉक ग्रेजिंग लिखा हुआ है, ग्रेजिंग की स्पेलिंग S नहीं आएगा, Z आएगा, GRAZING। ग्रेजिंग इफेक्ट फ्रॉम फेब्रवरी 20, 1983, दिस इज़ टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज टू वन ऑफ आवर नेशंस यूनिक रिपोजिटरीज ऑफ नेचुरल ब्यूटी। तो प्रिवेंट की स्पेलिंग रॉन्ग है, PREVENT। तो यहाँ पर जो स्पेलिंग्स रॉन्ग थी वो थी हाईवे की, वैरायटी की, मैग्निफिशेंट की, आइडियल की, सिगरेट की, और जो है ट्रैकिंग की, डेलीकेट की, कंपेल्ड की, माउंटेनियरिंग की, ग्रेजिंग की और प्रिवेंट की। तो स्टूडेंट्स, यहीं पर हमारी यूनिट 7 जो है समाप्त होती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।